हाय फ्रेंड्स, आर्या टीचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश आर्य हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन क्लास लेकर। आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अर्थात किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करके निकालना सीखेंगे। तो आज के इस मेथड को सीखने के पहले बताते चले कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंप्लीट सीरीज में अभी तक के वीडियोज में हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन या रूट्स क्या होते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हमने फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना सीखा, जिसके आधार पर हमने कई सारे क्वेश्चंस को प्रीवियस एक्सरसाइज यानी 4.2 में सॉल्व किया। अब एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग एक नया मेथड सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम लोग उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करके निकालना देखेंगे। तो इस मेथड को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे। तो यहां पे हमने एक क्वेश्चन लिया, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 5x + 2 = 0 by the use of completing the स्क्वायर मेथड, स्क्वायर मेथड। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या करना क्या पड़ता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर का सेंस यहाँ पे आइदर हम लोग उसको जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आइदर हम लोग इस फॉर्म में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट कर ले ताकि हम लोग उसके जगह पे ये वाला परफेक्ट स्क्वायर यूज कर ले, अर्थात उसको हम लोग ये वाले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले, या a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग या तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ला ले ताकि उसको हम लोग a माइनस b के परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सके। तो इसी दोनों परफेक्ट स्क्वायर का जो फॉर्म है, इसी दोनों फॉर्म में हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो अब इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखें और इसके इसको जब कंप्लीट स्क्वायर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो उसके प्रत्येक स्टेप को आप वाच करेंगे ताकि इस मेथड को आप इजी वे में सीख सकें। तो पहले हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लें, तो 3x² - 5x + 2 = 0, ये है मेरा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पे देखें तो इस दोनों मेथड को लाने के लिए, इस दोनों परफेक्ट स्क्वायर को लाने के लिए, दोनों में से कोई एक लाने के लिए हमको चाहिए ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ ए स्क्वायर तो है एक्स का स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक्स तो परफेक्ट स्क्वायर में है लेकिन यहाँ इसका जो कोएफिशिएंट 3 है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ से या तो 3 को हमको हटाना पड़ेगा, फिर इसको हम लोग 2x जो है इसको हम लोग 2ab के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, हमको ये लाना होगा या ये लाना होगा, ए स्क्वायर लाना होगा माइनस 2ab लाना होगा प्लस बी स्क्वायर, दोनों में से कोई एक फॉर्मेट यहाँ पे लाना होगा, स्टेबल करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, अब चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम लोग या तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें या यहाँ से 3 कॉमन ले पूरी इक्वेशन से। तो हम लोग ऐसा करते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट throughout the given equation
बाय 3। अब इस जो इक्वेशन दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कंप्लीट जो है 3 से डिवाइड कर दिया जाए, तो हम लोग क्या यहां पाएंगे, वी गेट अब 3x² / 3 - 5x / 3 + 2/3 = 0। हमने अब यहां पे हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं 0/3 यानी कि 0। अब यहां पे लेफ्ट साइड कंप्लीट 3 से डिवाइड हो गया, राइट साइड कंप्लीट 3 से डिवाइड हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल क्या बचा यहाँ पे x², ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ x² बचा, माइनस यहाँ बचा 5x / 3 + 2/3 और 0/3 0। अब यहां से देखें तो x² यानी a का स्क्वायर, यहाँ a का स्क्वायर हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर में लाने के लिए हमको पहले ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर यहाँ पे मिल चुका है x का स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ माइनस जो 2ab का फॉर्मेट हमको इसको 2ab में कन्वर्ट करना होगा, तो ये चूंकि माइनस है तो इसका मतलब हम लोग अपना सेंस यूज करना होगा, यानी कि इसको हम लोग ये वाला फॉर्मेट में ला सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हमको 2ab में कन्वर्ट करना होगा, तो देखिए दिस इंप्लाइज यहाँ ए स्क्वायर मिल गया हमको, यानी एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर मिल गया। अब माइनस 2ab चाहिए, तो 2 तो हम ले लिए खुद से, इंटू x चाहिए, 2a हो गया, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इंटू 2a यानी 2x इंटू हमको चाहिए b, तो b यहां पे तो 5/3 है, अब 5/3 है, ये 2 तो हमने अलग से लिया हुआ, इस 2 को हम लोग को इस इक्वेशन में है नहीं, इस 2 को हम लोग कैंसिल आउट करना होगा, तो अगर यहाँ ऊपर में 2 लिए हैं तो नीचे भी हम लोग 2 ले लें। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 5 कुल मिला के पूरा सॉल्व हो करके फाइनली 5x/3 ही रहेगा। लेकिन इससे फायदा क्या हो सकता है, इससे फायदा ये हो सकता है कि यहाँ पे ए स्क्वायर मिल गया और यहाँ पे 2 × a × b मिल गया, अर्थात x² - 2ab यानी 2 × a × b यानी 2 × x × 5/6 हो जाएगा। अच्छा अब प्लस, अब ये वाली फॉर्मेट में हमको ए स्क्वायर मिल गया, 2ab मिल गया, प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो x² यानी a का स्क्वायर माइनस 2a यानी x इंटू बी, तो b का वैल्यू कितना हो गया 5/6, तो यहाँ पे क्या हो गया 5/6 का स्क्वायर। अब सामान्य सी बात है कि ये तो सर अपने खुद से ये ला दिए, तो ये तो इक्वेशन में है नहीं, तो अब इसको चूंकि हम प्लस 5/6 का होल स्क्वायर किए हैं, तो इसको -5/6 का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, +5/6² हमने ऐड किया है, तो -5/6 का स्क्वायर हमने माइनस भी किया है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे हमें फायदा ये होगा कि यहां तक का जो फॉर्मेट है वो हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर में आ जाएगा, और लास्ट में ये +2/3 था आखिरी में, 2/3 = 0। अब इसको देखें बारीकी से हम लोग, तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं कि x का स्क्वायर -2 × x × 5/6 + 5/6² - 5/6² + 2/3। अब देखिए, अब यहां से देखिए, तो a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर यहां पे -2 × a × b 2 × a × b यानी 2 × x × 5/6, यहां a क्या है 2 × a क्या है x है और b क्या है 5/6, तो ये 2ab आ गया, ये 2ab का फॉर्मेट आ गया, a स्क्वायर का फॉर्मेट पहले से है, 2ab का फॉर्मेट आ गया, 2ab का फॉर्मेट यानी ये b जो b है 2ab, तो b का स्क्वायर भी चाहिए, तो b का स्क्वायर भी हमने ले लिया प्लस b का स्क्वायर, और ये चूंकि हमने एक्स्ट्रा अपने कॉमन सेंस को यूज करके लिया है, तो इसको हमारा इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़े, इसके लिए फिर इतना ही हम माइनस भी कर देंगे, तो 5a + 5/6 का होल स्क्वायर, यहाँ -5/6 का होल स्क्वायर भी ले लिया हमने अलग से ऐड कर दिया, अब प्लस ये 2/3 पहले से इक्वेशन में है, तो 2/3 आ गया = 0। अब हम कह सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक की जो फॉर्मेट है वो क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं x माइनस a क्या है x और माइनस b क्या है 5/6 का होल स्क्वायर 5/6, तो 5/6
इसका ये क्या है, इसका क्या है, ये होल स्क्वायर। अब यहां से यहां तक की फॉर्मेट का, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्मेट था किसका, एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स का होल स्क्वायर, बचा कौन सा, बचा ये, बचा माइनस फाइव बाई सिक्स का होल स्क्वायर, और क्या बचा, प्लस टू बाई थ्री का, टू बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से यहां तक ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में एक्सपेंड हुआ था, अब ये माइनस बी है, इसके जब हम लिखते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर, बचा ये माइनस फाइव बाई सिक्स का होल स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री। अब हम लोग क्या करेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर हमको प्राप्त करना था, हमारा टारगेट क्या था, परफेक्ट कंप्लीट स्क्वायर प्राप्त करना, तो कंप्लीट स्क्वायर प्राप्त हुआ है। अब इसको बाकी के जो टर्म है उसको हम लोग राइट साइड भेज दे, तो दिस इंप्लाइज एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो दोनों टर्म है, इस दोनों टर्म को हम लोग राइट साइड ले लें, तो माइनस है इधर, तो इक्वल टू से प्लस फाइव बाई सिक्स का होल स्क्वायर, और ये प्लस टू बाई थ्री है, तो इक्वल टू से जाएगा माइनस टू बाई थ्री। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से इसको हम लोग सॉल्व कर ले, तो जिसको हम लोग सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स का होल स्क्वायर, और ये फाइव बाई सिक्स का जो होल स्क्वायर, इसको हम लोग कंप्लीट तोड़ ले, तो फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव और सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स माइनस टू बाई थ्री, इसको हम लोग सॉल्व कर ले, दिस इंप्लाइज एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम लोग देखें यहां से, तो ये 36 इसका एलसीएम 36 का कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इंटू 25 और 36 तो ये 3 से डिवाइड हो 12 और 12 टू जा 24। अब दिस इंप्लाइज x माइनस 5 बाई 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 1 बाई 36। अब हम लोग देखें, तो इधर परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे x माइनस 5 बाई 6 की जो वैल्यू होगी, इधर स्क्वायर हटेगी तो इसमें क्या हो जाएगी, रूट अंडर 1 बाई 36 प्लस माइनस रूट अंडर 1 बाई 36। दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि x माइनस 5 बाई 6 इज इक्वल टू, अब प्लस माइनस 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 6 का, तो ये 1 अपॉन 6। अब इसको आगे फर्दर हम लोग सॉल्व करें, तो इफ इफ x माइनस 5 बाई 6 इज इक्वल टू, अब एक बार प्लस 1 बाई 6 लेना होगा, एक बार माइनस 1 बाई 6 लेना होगा, तो 1 बाई 6 अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 बाई 6 और 1 बाई 6 और ये माइनस 5 बाई 6 इक्वल टू से जाएगा, तो प्लस 5 बाई 6, इसको सॉल्व करें तो 1 प्लस 5 बाई 6 फर्दर ये 6 प्लस 6 बाई 6 यानी कि 1, तो x की एक हमारा एक सॉल्यूशन प्राप्त हो गया x इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे फिर से कंसीडर करें, यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है, इफ x माइनस 5 बाई 6 इक्वल टू प्लस 1 बाई 6, अब माइनस 1 बाई 6 करो क्योंकि प्लस माइनस 1 बाई 6 था, इफ इफ x माइनस 5 बाई 6 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 6, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 6 और माइनस 5 बाई 6 को इक्वल टू सके तो प्लस 5 बाई 6, दिस इंप्लाइज 6 एलसीएम, तो ये माइनस 1 प्लस 5, दिस इंप्लाइज 4 बाई 6, तो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो फाइनली क्या होगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 बाई 3। तो हमारा सॉल्यूशन क्या क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 1 एंड 2 बाई 3, दिस इज फाइनल आंसर। तो x की हमारा दो सॉल्यूशन x क्या है, x इक्वल टू 1 और 2 बाई 3। तो इस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करके उसके सॉल्यूशन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को आप समझ गए होंगे कि कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करके उसके सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
एक्स स्क्वायर के जगह अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको हम लोग उसी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें, ताकि कंप्लीट ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाए, या ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाए, जिससे कि प्लस वाला अगर ये वाला एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाए तो हम लोग ये वाला यूज कर ले, अगर ये वाला आ जाए तो ये वाला यूज कर ले, और परफेक्ट स्क्वायर आने के बाद हम लोग उसको इजी वे में सॉल्व कर ले। तो आई होप कंप्लीट स्क्वायर मेथड आप सीख गए होंगे, इस आधार पे आप क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो इसी मेथड को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से एक हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं या सिद्धाचार्याज फॉर्मूला भी बोलते हैं, तो उस फॉर्मूला को हम लोग स्टेबल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब हम लोग जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और यानी कि सिद्धाचार्याज फॉर्मूला जो है स्टेबल करने वाले हैं, और इस फॉर्मूला को स्टेबल करने के लिए हम लोग अभी जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू सॉल्यूशन निकालना सीखा है, उसी कंसेप्ट को यहाँ यूज करने वाले हैं। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, और वहां से सॉल्यूशन का एक जनरल फॉर्म निकालेंगे, वो उस फॉर्म को आगे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे और आसानी से सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, तो उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो आइए समझे इस मेथड को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हम लोग प्रीवियस इंट्रोडक्शन क्लास से भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ और यहाँ पे जो ए बी सी होती है, वेयर ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स। ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स है, साथ ही एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक सामान्य फॉर्म होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां ए बी सी जो है एक कुछ रियल नंबर्स हो सकते हैं, साथ ही ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए जो है कभी भी जीरो नहीं होगी। ये ऐसा इसलिए कहा जाता है कि चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वजह से ही यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बना, चूंकि डिग्री टू का इक्वेशन होने के कारण, यानी इसमें वेरिएबल की जो हाईर पावर है वो टू है, इसी कारण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये अब ये टर्म ही अगर जीरो हो जाए तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी, क्योंकि टर्म जीरो हो जाएगी तो बी एक्स प्लस सी वेरिएबल की हाईर पावर वहां पर वन हो जाने के कारण वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहेगी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन इसी रूप से फॉलो होता है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात ये टर्म कभी भी जीरो नहीं होगी। एक जीरो होगी तो इसको एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए का जीरो होना मतलब पूरे इस पहले टर्म को जीरो कर देना, तो इसलिए ये कंडीशन फॉलो होती है। तो अब हम लोग देखें कि इस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, और वहां से कुछ हमारे को कुछ ऐसा फॉर्मूला हम लोग स्टेबल करने वाले हैं, जिससे कि आगे उस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग कई सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हम लोग निकाल पाएंगे, और उसी फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आइए जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे है जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है इसको हमने इक्वेशन नंबर वन ले लिया। अब हमारा टारगेट क्या है यहाँ, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना सीखा है, उसी तरीके को यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट ए है, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, परफेक्ट स्क्वायर है, जबकि ए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आइदर हम लोग यहाँ से ए को एलिमिनेट कर ले, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दे। तो डिवाइडिंग
थ्रू आउट बाई ए इन इक्वेशन वन वी गेट। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग ए से कंप्लीट डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो बाई ए। अब ए यहां से कैंसिल आउट हो गई तो यहां क्या बच गया दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो बाई ए जीरो। अब ये एक्स स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो हमने अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर करना सीखा है उसमें हमने क्या बताया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग आइदर ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर ले ताकि वहां से ए प्लस बी स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म मिल जाए या ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के परफेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले ताकि ए माइनस बी का परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म मिल जाए। तो यहाँ पे सभी प्लस है इसका मतलब हम लोग यहाँ पे इसको ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो वहां से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का परफेक्ट फॉर्मेट हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से उसी तरीके से हम क्या करें क्योंकि हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी यहाँ ए का स्क्वायर हमको मिल चुका है एक्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर हो गया। अब हमको यहां इसको क्या करना होगा 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो 2 इंटू ए यानी x i इंटू b चाहिए तो b बाई ए है b बाई ए है तो b बाई ए तो पहले से है कोई बात नहीं लेकिन ये 2 तो अपने मन से लगाया हमने अपना कॉमन सेंस यूज किया तो ये 2 तो पहले से है नहीं तो 2 चूंकि हमने यहां इंटू किया तो 2 यहां पे हम लोग डिवाइड कर दें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए करके इसकी वैल्यू ओवरऑल चेंज नहीं होगी यानी बी एक्स बाई ए की बी एक्स बाई ए ही रह जाएगी लेकिन इससे फायदा क्या होगा ये हमको 2ab के फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो प्लस अब यहां से आगे क्या करना होगा तो a मिल चुकी है यहाँ ए स्क्वायर मिल चुकी है और फिर 2 इंटू ए यानी एक्स इंटू बी मिल चुकी है बी बटे ए तो बी बटे ए यानी कि बी बटे यहाँ पे क्या है बी और ए इंटू टू टू ए बी बटे 2a यहाँ पे है इसका हमको क्या करना होगा। अच्छा एक स्टेप और हम लोग यहीं पे अभी रखे हैं तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा b by 2a तो b by 2a का स्क्वायर। अब ये ऐसा क्यों किया क्योंकि यहाँ पे b by जो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 into a यानी x प्लस b तो b का वैल्यू यहाँ पे अभी पूरा हो गया b by 2a और फिर तो ये तो हमने b by 2 का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर लाने के लिए किया तो ये चूंकि हमने एक्स्ट्रा एक्टिविटी किया है तो इसको हमको इस तरह से यूज करना होगा ताकि ओवरऑल कोई असर ना पड़े तो प्लस b by 2 का होल स्क्वायर हमने प्लस किया है तो फिर उसका ही हमने यहाँ पे माइनस कर दिया b by 2 का होल स्क्वायर इतना माइनस कर दिया इतना प्लस किया इतना माइनस कर दिया और ये c by a ऑलरेडी यहाँ है c by a तो c by a को जैसे है वैसे लिख दिया इज इक्वल टू जीरो। फर्दर ऐसा करने से क्या फायदा होगा ऐसा करने से हमको देखें इसको तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए यानी एक्स इंटू बी इंटू बी यानी कि बी बटे टू ए प्लस बी स्क्वायर यानी बी बटे टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी बटे टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी बटे ए इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए तो यहां से यहां तक जो दिखाई दे रहा है ये क्या है ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी टू इंटू एक्स इंटू बी बी बटे टू प्लस बी का स्क्वायर माइनस ये चूंकि हमने प्लस एक्स्ट्रा एक्टिविटी यहाँ पे किया है तो उसको माइनस भी उतना कर लिया प्लस सी बाई ए तो यहाँ से यहाँ तक क्या है ये किसका एक्सपेंडेड फॉर्म दिखाई दे रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर था ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो इसको हम लोग क्या ही लिख सकते हैं एक्स प्लस बी यानी बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे बी बटे 2a का होल स्क्वायर यानी यहां से यहां ये एक्सपेंडेड फॉर्म है x प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस अब ये देखिए ये पूरी जो टर्म है हम लोग क्या है b बटे 2a का होल स्क्वायर प्लस c बटे a इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर मिल चुका है x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर तो बाकी के जो टर्म है उसको राइट साइड भेज दें
तो यहां से हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस बी बटे टू ए का होल स्क्वायर। अब ये पूरा टर्म जो है यहां से यहां जो पूरा टर्म है इसको उसे भेज दे तो माइनस है ये, तो ऊपर से प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस बी बटे टू ए तो प्लस बी बटे टू ए का होल स्क्वायर, अब प्लस सी बाई ए तो इधर आगे माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। अब परफेक्ट उसका एक साइड हो गया, बाकी के टर्म एक साइड हो ये एक साइड चले गए। अब यहां से हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व कर ले। तो इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो देखें एक्स प्लस बी बटे टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बी बटे टू ए का होल स्क्वायर नहीं की बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, टू ए का स्क्वायर फोर ए स्क्वायर और माइनस सी बाई ए, माइनस सी बाई ए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते जाए तो एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू तो क्या हो गया, फोर ए स्क्वायर एलसीएम हुआ, फोर ए स्क्वायर से फोर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो वन बी स्क्वायर इंटू वन बी स्क्वायर, माइनस ए से डिवाइड हुआ तो फोर ए इंटू सी फोर ए सी। अब देखें तो यहां पर अगर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी तो इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, यानी कोई रियल नंबर्स होगी। तो इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो जीरो या जीरो से बड़ा, then taken square root on both side we get। अब ये यहाँ पे जो ये बी स्क्वायर पड़े सी की वैल्यू या तो जीरो या जीरो से बड़ा हो तो उसके वक्त ऐसा हो जल्दी वो तो हम पर दोनों साइड पर रूट ले लेगा, ऐसा क्यों, अगर इसका वैल्यू लेस देन जीरो होगा नेगेटिव होगा तो फिर रूट लेने से वो क्या हो जाएगी, अगर जैसे ही रूट चलेगी तो माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस रूट के अंदर जैसे ही माइनस आएगी तो वो रियल रूट नहीं हो करके वो इमेजिनरी हो जाएगी, जबकि हमें इमेजिनरी रूट अभी नहीं पढ़ना है, वो क्लास 11 12 में पढ़ना है। तो इसलिए हमें यहाँ पे कंडीशन डाला हुआ है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी ये जो वैल्यू अगर जीरो से या तो जीरो या जीरो से बड़ा हो तब हम इस पर स्क्वायर रूट ले ले। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी बाई टू ए, एक्स प्लस बी बाई टू ए, जैसे ही ये रूट स्क्वायर से सटेगा उसका रूट चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एक्स प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू ये प्लस माइनस। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और चूंकि ये फोर ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, फोर परफेक्ट स्क्वायर है, इसका क्या हो जाएगा टू बाहर आ जाएगा और ये रूट पूरे पे है और ये ए स्क्वायर के बदले ए बाहर आ गया टू। अब यहां से क्या हो गया, अब हम लोग एक्स की वैल्यू यहां से निकाल ले तो x की वैल्यू दो हो सकती है, एक बार हम लोग प्लस कंसीडर करेंगे पर माइनस कंसीडर करेंगे। इफ इफ x प्लस b बाई टू ए इज इक्वल टू प्लस ले ले तो b स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, देन x का टू क्या हो जाएगा, ये प्लस b बाई टू इक्वल टू से ले माइनस b बाई टू ए माइनस बी बाई टू ए प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी टू ए एलसीएम हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब यहां से एक वैल्यू दिया हो गए, इफ एक हमारा मैं सॉल्यूशन यहां भी ये हो गया, दूसरा इफ एक्स प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू माइनस वाला लेते हैं अगर तो रूट अंडर
बी स्क्वायर माइनस फोर एस सी अपॉन टू ए, तो देयर फोर एक्स इजक्वल टू माइनस बी, ये प्लस बी बाई टू इक्वल टू सर, तो माइनस बी बाई टू ए माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर एस सी बाई टू ए। जैसे इम्प्लाई ये सर्वों पे टू ए एल सी एम हो गया, तो ये माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, तो दूसरा सॉल्यूशन हमारा ये हो गया। तो फाइनली हम क्या है, तो फाइनल हमारा जो सदस्य फॉर्मूला से निकला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये हमारा सदस्य फॉर्मूला से एक सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन निकल गया, यानी कि एक सॉल्यूशन हमारा क्या होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और दूसरा हो गया एक्स इजकल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो इस तरीके से हम लोग दो सॉल्यूशन या दोनों सॉल्यूशन को एक साथ लेंगे, तो एक्स इजकल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, जिसमें कि एक पहला वैल्यू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, और दूसरा वैल्यू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। ये दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ये दो सॉल्यूशन निकले, तो डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स हो, अर्थात बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, अर्थात या तो जीरो हो या जीरो से बड़ी हो। जैसे ही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जो है जीरो से छोटी होगी, तो रियल रूट नहीं होगी। यहां हमेशा ध्यान देना है कि इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, देन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है, तो उसकी रियल रूट्स नहीं होगी। ये रियल रूट्स कब होगी, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, या तो जीरो के इक्वल होगी या जीरो से बड़ी होगी। तो उस केस में अगर उसके रियल रूट्स होंगे, और रियल रूट्स होंगे तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करके आसानी से उसके सॉल्यूशंस को प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग इसी कंसेप्ट के आधार पे 4.3 के सॉल्यूशंस को अगले वीडियो में देखेंगे।